राधे आइए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया है। ये पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं है, एक नई जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इस बात की कि आपकी प्रतिस्पर्धा अब आपकी स्वयं से है, आपने जितना किया है अब उससे आपको आगे बढ़ना है और फिर दूसरों के सामने को उदाहरण प्रस्तुत करना है। जिन शिक्षकों को राज्य पुरस्कार मिला है, राज्य पुरस्कार का मतलब यह नहीं, और मैं तो ये चाहूंगा एक व्यवस्था में लागू करनी चाहिए कि पुरस्कार चयन की प्रक्रिया को, मैंने इसीलिए कहा था, विगत वर्ष वे चीजें आई थी, हमने कभी देखो अक्सर होता क्या था, पुरस्कार वह व्यक्ति प्राप्त करता था जो कभी स्कूल नहीं जाता था। मैंने देखा है, मैंने एक बार यहां पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसीलिए स्थगित करवा दिया था। मैंने कहा भी इसमें जो नाम आए हैं इनको तो मैं रोज देखता हूं, केवल फालतू घूमते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, इनको क्यों पुरस्कार दे रहे हैं? इससे वास्तविक शिक्षक अपने आप को अपमानित महसूस करता है। स्थगित करो इसको, और नहीं तो अपने स्तर पर करना, अपने स्तर पर करो। मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं और मैं उस कार्यक्रम में भागीदार नहीं बना, कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। और इसीलिए मैंने कहा था चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, वास्तविक शिक्षक को सम्मानित किया जाना चाहिए जो ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देकर के राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का अपने को हिस्सा बनाया हुआ है। एक प्रधानाचार्य जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने विद्यालय को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना रहा है और वह सम्मान उसी का हिस्सा है, ये उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। केवल 2 साल उन्हें सेवा विस्तार मिल जाए या उन्हें एक निश्चित राशि पुरस्कार के रूप में हम दे दें या परिवहन निगम की बसेज में उनको इतने किलोमीटर तक फ्री में सुविधा उपलब्ध हो जाए, ये बहुत गौण चीजें हैं। महत्वपूर्ण ये कि एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रही है और जिम्मेदारी इस बात की कि उन्होंने अब तक जो किया है इससे उनकी स्वयं की प्रतिस्पर्धा होगी, अब उनको उससे आगे बढ़कर के कार्य करना है और कुछ नयापन करके दिखाना है, एक नयापन करके दिखाना है, कुछ नया देना है समाज को। यह उनके जीवन का आत्मसंतुष्टि का एक माध्यम बनेगा और इस दिशा में, इस प्रयास में हम सबको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं आह्वान करूंगा, विगत 5 वर्ष के अंदर बहुत कुछ किया है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था नियुक्ति की प्रक्रिया जब हम करेंगे तो नियुक्ति की प्रक्रिया को इतनी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे कि किस शिक्षक का ट्रांसफर की प्रक्रिया हो पता भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, हमारे मंत्री को भी पता नहीं होगा, विभाग के प्रमुख सचिव को भी नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति को कहां जाना है। मेरिट के आधार पर हम पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, हर एक स्तर पर उसको लोगों ने माना। आज हमें तय करना होगा, प्रदेश ने, नीति आयोग ने जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे, मैं धन्यवाद दूंगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो पैरामीटर थे उसमें शिक्षा में थे, स्वास्थ्य में थे, स्किल डेवलपमेंट में थे, इन सभी में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर जो टॉप 10 यानी जो 112 जनपद चिन्हित हुए थे पूरे देश भर में, उनमें से 8 जनपद यूपी के थे और मुझे प्रसन्नता है कि 8 जो जनपद यूपी के थे टॉप 10 में, जिन्होंने अपने रैंकिंग में सुधार किया उसमें से टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के
8 में से 5 जनपद आए थे और टॉप 20 में सभी 8 जनपद यूपी के आ गए थे। ऐसे अब हम लोगों ने 100 ऐसे विकास खंडों का चयन किया है जो प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट में और वित्तीय समावेशन आदि में अभी भी पीछे हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए कार्य करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है। और मैं इसके लिए शिक्षा विभाग से ही मैंने कहा है, सभी संबंधित विभाग से कहा है कि वहां पे 100% मानव संसाधन होना चाहिए और उस विकास खंड में तकनीक का उपयोग करते हुए हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और एक समय सीमा के अंदर उन्हें सामान्य विकास खंडों की तर्ज पर आगे बढ़ाना है। यह एक कार्य अच्छी दिशा में हमें करके दिखाना होगा, यह संभव है। और इसलिए आज यहां पर जो पुरस्कार वितरण हो रहे हैं, ये अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए शिक्षक हैं जिन्होंने कुछ नया किया है, प्रधानाचार्यगण हैं जिन्होंने कुछ नया किया है। यहां पर मैं देख रहा था कि सीबीएसई बोर्ड में बुलंदसर की भी एक बालिका ने सीनियर सेकेंडरी में और सेकेंडरी लेवल पर भी एक बालिका शामली से 500 में से 500 नंबर पाई है। पूरे देश के अंदर दोनों बालिकाएं हैं और दोनों बालिकाओं ने पूरे देश के अंदर मेरिट सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। दोनों बालिकाएं